हर हर महादेव तर्पण प्रयोग की संपूर्ण विधि को इस वीडियो में सीखेंगे। शुद्ध आसन पर बैठ करके शुद्धिकरण, आचमन, प्राणायाम आदि करें। प्राणायाम करने के बाद हाथों में पवित्री धारण करें और संकल्प करें। संकल्प में ओम विष्णु विष्णु से लेकर के तिथि, वार, नक्षत्र आदि बोलने के पश्चात ये बोलें। अद्य श्रुते स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणं करिष्ये। संकल्प करने के पश्चात एक तांबे के पात्र में जल, चावल आदि डाल करके उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर इन ऋषियों का आवाहन करें। आवाहन मंत्र। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। तर्पण में सबसे पहले देव तर्पण, उसके पश्चात ऋषि तर्पण, उसके पश्चात दिव्य मनुष्य तर्पण, उसके पश्चात दिव्य पितृ तर्पण और उसके पश्चात मनुष्य पितृ तर्पण होता है। तो सबसे पहले देव तर्पण करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठें, जनेऊ को सव्य रखें, दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें, अर्घ पात्र में चावल छोड़ें, तीन कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें, जल की अंजलि एक एक देवें, देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से देवें, जलांजलि को सोना, तांबा या कांसे के बर्तन में डालें। तर्पण यदि नदी में किया जा रहा है तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ के सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरयस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसितृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। अब ऋषि तर्पण करें, पूर्व की भांति एक एक अंजलि दें। ओम मरीचस्तृप्यताम, ओम अत्रस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतोस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। अब दिव्य मनुष्य तर्पण करें। उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लें, जनेऊ को कंठी की तरह पहने, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, बिल्कुल सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं, अर्घ पात्र में जौ छोड़ें, तीनों कुशों को उत्तराग्र रखें, प्राजापत्य तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें। दिव्य मनुष्य तर्पण में दो दो अंजलियां जल देंगे। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरस्तृप्यताम, ओम वोढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। अब दिव्य पितृतर्पण करेंगे। पितृतर्पण में दक्षिण की ओर मुख कर लें, अपसभ्य हो जाएं अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे से ले जाएं, गमछे को भी दाहिने हाथ पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें, अर्घ पात्र में काले तिल छोड़ें, कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें, पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें। तीन तीन अंजलियां देंगे।
ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमातृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निखवाताः पितरस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः। ओम वर्हिषदः पितरस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः तेभ्यस्वधा नमः। इसी प्रकार यम तर्पण करेंगे। ओम यमाय नमः नमः नमः। ओम धर्मराजाय नमः नमः नमः। ओम मृत्यवे नमः नमः नमः। ओम अंतकाय नमः नमः नमः। ओम वैवस्वताय नमः नमः नमः। ओम कालाय नमः नमः नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः नमः नमः। ओम औदुम्बराय नमः नमः नमः। ओम दक्षिणाय नमः नमः नमः। ओम नीलाय नमः नमः नमः। ओम परमेष्ठिने नमः नमः नमः। ओम वृकोदराय नमः नमः नमः। ओम चित्राय नमः नमः नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः नमः नमः। इसके बाद मनुष्य पितृ तर्पण करेंगे। हाथ जोड़ करके पितरों का आवाहन करें। ओम उशंतस्त्वा निधि मज्जुषंताः सामिधि माहि उशन्नुषत आवाह पितरेन हविखे अत्तावे आयन्तु नः पितरः सोम्या सोऽग्निखवाताः पाथिभिर्देव यानैः अस्मिन्यच्ये स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्न। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। आपके माता पिता आदि जो जीवित हों उनके लिए तर्पण न करें। जिनका देहांत हो चुका है केवल उन्हीं का तर्पण करें। पूर्व की भांति तीन तीन अंजलि ही देंगे। अमुक गोत्र आपका गोत्र, अस्मत पिता अमुक शर्मा आपके पिता का नाम, वसुरूपस्तृप्यता मिदं तिलोदकं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब ऐसे ही पूर्व की भांति उनका गोत्र आदि बोलें। अमुक गोत्र अस्मत पिता मह अमुक शर्मा आपके दादा का नाम, रुद्ररूपस्तृप्यता मिदं तिलोदकं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपिता महः अमुक शर्मा आपके परदादा का नाम, आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन्माता अमुकी देवी आपकी माता का नाम, वसुरूपा तृप्यता मिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् पितामही अमुकी देवी आपकी दादी का नाम, रुद्ररूपा तृप्यता मिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आपकी परदादी का नाम, आदित्य रूपा तृप्यता मिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः।
यदि आपकी सौतेली माँ और उनका देहांत हो गया तो उनके लिए भी तर्पण में ये बोलें, अमुका गोत्रा अस्मत्सा पत्न माता अमुकी देवी, सौतेली माँ का नाम, त्रिप्यता मिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब इन मंत्रों को बोलते हुए पितृतीर्थ से जल गिराते जाएं। ओम उदीरता मावार उत्परा स उन्मत्या महा पितराह सौम्या सह असुंज एयूरव्रेका अरे तज्जियास्ते नो वन्तु पितारो हवेखु अंगिरासो नाहा पितारो न वग्वा अथर्वाणो भ्रेगावा सौम्या सह ते खाम वायको सुमतौ जचिया नामापि भद्रे सौमा न से श्याम आयन्तु नाः पितरः सौम्या सोऽग्निखवाताः पथिभृतेवयानैः अस्मिन्यचिये स्वधाया मदन्तो धिप्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्न ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पायाः कीलालं परिसृतं मा स्वाधास्था तर्पायाता मे पितरेण पितृभ्यः स्वाधायभ्यः स्वाधानमः पितामहेभ्यः स्वाधायभ्यः स्वाधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वाधायभ्यः स्वाधानमः अक्षन पितारो मे मदंत पितारो ति त्रिपंत पितराः पितराः शुन्धत्वं मा जे चेह पितारो जे चनेह चांश्च विद्मा जाम उचान प्रविद्मा त्वं वेत्था जाति ते जात वेदाः स्वाथा भृत्यज्ञो सुकृतं जुखस्व माधुवाता अरेता यते माधुक्षारन्ति सिन्धवाः माध्वीर्नाः सन्त्वो खधीः माधुनक्ता मूतो खासो माधुमत्पार्थिवक्यो राजाः माधुत्यौरस्तु नाः पिता माधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। अब ये जो मंत्र है इसका केवल पाठ करें। ॐ नमो वाः पितरो रसाय नमो वाः पितराः शोकाय नमो वाः पितरो जीवाय नमो वाः पितराः स्वधायै नमो वाः पितरो घोराय नमो वाः पितरो मन्यवे नमो वाः पितराः पितरो नमो वो गृहाण्णाः पितरो दत्तसतो वाः पितरो देखमयि तद्वाः पितरो वास आधत्त। अब द्वितीय गोत्र तर्पण यानी आपके ननिहाल पक्ष में जो जीवित हो उनका तर्पण न करें, जिनकी मृत्यु हो गई हो केवल उन्हीं का तर्पण करें। अमुक गोत्र आपके नाना या मामा का जो गोत्र हो वो, अस्मन माता महा आपके नाना का नाम, अमुकः वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब ऐसे ही पूर्व की भांति गोत्रादि बोलें। अमुक गोत्रः अस्मन् प्रमाता महा आपके परनाना, अमुकः रुद्ररूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मद्वृद्ध प्रमाता महा आपके वृद्ध परनाना,
अमुका आदित्य रूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन् माता मही आपकी नानी, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमाता मही आपकी प्रनानी, अमुकी देवी दारुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमाता मही आपकी वृद्ध प्रनानी, अमुकी देवी दा आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। इसके आगे पत्नी से लेकर आप्त तर्पण जो भी संबंधी मृत हो गए हों उनके गोत्र और नाम लेकर एक एक अंजलि दें। अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी आपकी पत्नी का गोत्र नाम, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् सुतः अमुक शर्मा आपका बेटा उसका गोत्र नाम, वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या आपकी बेटी का गोत्र नाम, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् पितृभ्यः आपके पिता के भाई का नाम गोत्र, अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मन्मातुलः आपके मामा का गोत्र नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् भ्राता अपने भाई का गोत्र नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् सापत्न भ्राता आपके सौतेले भाई का गोत्र नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृभगिनी आपकी बुआ का गोत्र नाम, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन् मातृभगिनी आपकी मौसी का गोत्र नाम, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद्दात्म भगिनी आपकी अपनी बहन का नाम गोत्र, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्सापत्न भगिनी आपकी सौतेली बहन का गोत्र नाम, अमुकी देवी दावसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्श्वशुरः आपके ससुर का गोत्र नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् गुरुः अमुक शर्मा आपके गुरु का गोत्र नाम, वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मदाचार्य पत्नी अमुकी देवी आपकी गुरु पत्नी का गोत्र नाम, दा वसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् शुष्यः आपके शुष्य का गोत्र नाम, वसुरूपस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् सखा आपके मित्र का गोत्र नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद सभ्य होकर पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं, कुशों को सीधा कर उनके अग्रभाग को पूरब की ओर कर लें और देव तीर्थ से जल गिराएं। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरव खगा जले चरा भू निलया वायव्या धाराश्च जंतवा
तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मत्तत्तेनाम्बुनाखिलाः। इसके बाद अपसभ्य होकर जनेव और अंगोच्छे को भी दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाएं। कुशों को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दें पूर्व की भांति और पितृतीर्थ से जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायै तद्दीयते सलिलं मया। ये बान्धवा बान्धवाश्च येऽन्य जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तुतिलोदकम्। आ ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्। आ ब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तुतिलोदकम्। ये सब तर्पण होने के पश्चात अंगोच्छे की चार तय कर लें। जिस पात्र में आपने तर्पण किया है उसी में उस अंगोच्छे को डुबा करके बाई ओर पृथ्वी पर निचोड़ें। ये चे चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। ये करने के पश्चात भीष्म तर्पण करें। भीष्म पितामह को पितृतीर्थ से कुशों से जल दें। भीम शांत नवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्विरवाप्नोति पुत्र पौत्रोचितां क्रियां। भीष्म तर्पण करने के पश्चात पूर्व की ओर मुख करके बैठें, सभ्य हो जाएं, जनेऊ को बाएं कंधे पर रख लें, आचमन और प्राणायाम करें। उसके पश्चात एक पात्र में सूर्य को अर्घ दें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रेषु च ये सवित्रे कर्मदायिने। सूर्यार्घ दे करके सूर्य की सात प्रदक्षिणा करें। दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्र देवताओं का वंदन करें। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैरृत्यै नमः, ओम निरृतये नमः, ओम व्रतेच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदेच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम आयुषान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वायै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः। इसी तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर एक एक अंजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इसके पश्चात हाथ में जल लेकर के समर्पण करें। अनेन यथाशक्तिकृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। तदनंतर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्वेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च न मोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सत्यो वन्देतमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमेश्वरम्। तीन बार आसन के नीचे जल गिराएं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस जल को अपने माथे से स्पर्श करें। इति तर्पण विधि समाप्तम्।